मोदी ने देश का भट्टा बिठा दिया। ओके बाय टाटा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई काम गिनाइए, तो सरकार यहाँ आम आदमी पार्टी की है, 5 साल राज में सरकार चला रही है आम आदमी पार्टी, तो नाम आम काम तो आम आदमी पार्टी गिनाएगी ना, बीजेपी थोड़ी गिनाएगी। एक बात बताइए, तो काम का हिसाब मांगेगी। सुने मेरी बात, जिस स्टेट में वो बता दे। नहीं, यहाँ पर एमसीडी बीजेपी के हाथ में है, दिल्ली पुलिस भी बीजेपी के हाथ में है, तो बताइए उसमें क्या अच्छा हो रहा है। आप ये बताइए, केजरीवाल जी ने कहा कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, फिर अब वो अपने काम क्यों गिना रहे हैं? जब काम करने नहीं दिया तो फिर काम हुआ कहाँ से? काम करने दिया ना, फिर गलत तरीके से आप केजरीवाल जी आरोप क्यों लगा रहे थे हमको काम नहीं करने दे रहे? 4 साल से लेके, एक मिनट सुनो, 4 साल तक उनको क्या 2 महीना के अंदर अंदर लाइसेंस दे दिया क्या? बस करो। बड़े बड़े स्टेट देखो, बड़े बड़े स्टेट, अभी झारखंड में सोरेन ने भी शपथ ली है, ठीक है ना। और देखो इसका अभी जो एनआरसी और सीए का बिल्कुल अभी रिजल्ट आपको मिल चुका है। ये इनकी भाजपा वालों की जो नीति है, ये हिंदू मुस्लिम एकता। एक क्वेश्चन सबसे पूछेंगे, सरकार किसका बनेगा दिल्ली में? मोदी सरकार मोदी सरकार जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, सरकार मोदी सरकार बनेगी? शीला दीक्षित करके गई, केजरीवाल जी ने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, कांग्रेस शीला दीक्षित ने करी है। शीला दीक्षित, अच्छा एक मिनट, शीला दीक्षित ने अगर काम किया है तो दिल्ली वालों ने क्यों उखाड़ के फेंक दिया? क्योंकि वो थक गई थी मैम 15 साल, इसलिए वो आराम कर रही है, अभी आएगी जी, इसी वजह से आएगी। अभी तो मोदी करेगा, मोदी है तो मुमकिन है। किसका सरकार बनेगा? मोदी सरकार। मैडम मोदी हटाओ और देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी का मुख्यमंत्री देखो, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे। को भी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, दिखा दो 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी मैडम एक भी गिनवा दो। अभी एसएससी की सन 2017 वाली वैकेंसी भी कंप्लीट नहीं कराई है, और 18 भी यूथ जो कंपटीशन में लड़े हुए भक्त है। अभी आपने बोला कांग्रेस का सरकार बनेगा, आप कह रहे बीजेपी जी, मोदी। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे फौजी बंदे थे जो पाकिस्तान के अंदर गए थे, आज तक केजरीवाल में दम नहीं था जो उनको वापस हिंदुस्तान में ले आते। केजरीवाल तो सीएम है ना, वो तो सीएम है, पर भी अभी तक पाकिस्तान में कोई भी बंदा दिया गया हुआ वापस नहीं आया। ये बताइए, एक मिनट, पहली बार ऐसा हुआ है पुलवामा जो हमला हुआ था, वो जैसे भी हुआ उसके बारे में नहीं कह सकते? क्यों नहीं कहाँ से आया अभी तक पता नहीं लगा पाया? बताइए, अभी तक कोई भी फौजी बंदा वहाँ गया हुआ पाकिस्तान में वापस नहीं आया? पहली बार में 40-45 साल की उम्र के अंदर मैंने अभी तक ये नहीं देखा है कि पाकिस्तान में गया हुआ बंदा कोई भी वापस आया है। अच्छा, मैंने पहली बार अब देखा है कि पहली बार गया हुआ बंदा वापस आया है, ये अभी तक मेरा चलन है 45 साल की उम्र में कोई वापस नहीं आया है। बिल्कुल सर, हमारी नोटबंदी भी, अगर नोटबंदी का सवाल किया गया ना, आप पब्लिक ने क्या नोटबंदी हुई है, नोटबंदी अगर बाहर के लोगों ने जितना पैसा बाहर छुपा छुपा के रखा है हिंदुस्तान के बाहर, 500 रुपए के नोट अगर जितने लोगों ने रखे थे, अगर ये नोटबंदी नहीं की जाती तो ये पैसा जो लोगों ने दबा रखा था बाहर नहीं आता। काला धन आ गया, वो कह रहे कि 15 लाख मिलेगा, मिला है क्या 15 लाख? ये इस बात को तो मैं 15 लाख मिला है किसके लिए मिला है, किसके लिए बोला है? उन्होंने बोला है ना कि काला धन आ जाएगा आप पब्लिक को देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। जो भी आप लोगों को गलत फहमी, 15 लाख रुपए कोई किसी को देगा? अच्छा मेरी बात, कोई किसी का फ्री का तो पैसा है नहीं, तो 15 लाख। एक सवालों का मुझे जवाब दीजिए मैम, वो हमारे देश, हमारे देश,
जो आप कह रहे हो अरे जाएगा 15 लाख रुपए ये बोला था 1 रुपया किसी एक नहीं नहीं इन्होंने बोला या आपने बोला कि मोदी ने बोला 15 लाख अकाउंट में आएंगे आप क्लियर हो आप दिखाओगे एक भी स्टेटमेंट कि उसने बोला कि 15 लाख आएंगे उन्होंने क्या बोला जस्ट लेट मी कंप्लीट उन्होंने बोला जो आप बोल रहे हो सब लोग कि 15 लाख आएंगे उन्होंने बोला कि इतना काला धन है कि अगर वो सारा आ जाए तो वो पर पर्सन 15 लाख के बराबर है ही नेवर सेड कि 15 लाख आई ट्रांसफर टू यू आपने बातों को घुमा दिया नो मैडम आप घुमा रहे हैं अच्छा ठीक है आपने बोला इसका स्टेटमेंट नहीं है ठीक है आप मुझे बताएं कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था नहीं किया 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था नहीं किया ठीक है नहीं मिली ठीक है आपने जो अभी 15 लाख का बोला 15 लाख का मैंने जवाब दिया ठीक है अभी सबसे ज्यादा क्रिकेट में पैसा किस में होता है बीसीसीआई के पास है ना बीसीसीआई के पास है ना उसका सेक्रेटरी कौन है अभी क्या सेक्रेटरी कौन है बीसीसीआई का अभी बोलोगे अमित शाह का बेटा है अमित शाह का बेटा है सर आप बन जाओ भाई साहब कैसे बन जाएंगे आप बन जाओ भाई साहब अभी ये बोले एयर इंडिया बिक गई एयर इंडिया जाएंगे जिसकी गवर्नमेंट होती है उसी का आदमी बनता है क्या वो कांग्रेस टाइम में ये स्थिति रही देश ही बिक जाएगा क्योंकि चाय वाले के हाथ में ये देश थमा के बहुत बड़ी बात पढ़ के देखो आज का 2.25 लाख करोड़ अगर किसी चीज को कंपनी एनपीए डाल दिया ऐसा मतलब ये नहीं कि उसको रिलीज कर दिया ठीक है पहले कॉन्सेप्ट अगर सुनो भारत की जीडीपी गिरी है नो डाउट गिरी हुई एग्री हो ना भारत के पास पैसा नहीं है बीएसएनएल वालों को सैलरी नहीं मिल रही है एक मिनट बीएसएनएल का मैं बता रहा हूँ बीएसएनएल वालों को सैलरी नहीं मिली बीएसएनएल वालों को सैलरी नहीं मिली तो 25,000 करोड़ रुपए रसिया को देने की जरूरत क्या थी बीएसएनएल वालों को सैलरी नहीं मिली किसने बोला 75,000 एम्प्लॉई वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिए हैं क्या होता है पता है आपको 31st को वो नौकरी से रिटायरमेंट ले रहा है जबरदस्ती उनको रिटायरमेंट दिया जा रहा है सर स्वेच्छा से लिया है वीआरएस उन्होंने बोला जिसको भरना है गलत वीआरएस ले सकता है क्या बात कर दो यार मेरे बीएसएनएल में टीडीएम टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अशोक कुमार सिंह जिला प्रताप सर आपके पिताजी अगर गवर्नमेंट जॉब में है गवर्नमेंट जॉब में सबके नहीं मिली है फर्स्ट थिंग और एक सैलरी नहीं मिली है इसको भी हटाओ मैंने 5 सवाल मुंह बहस करने से कुछ नहीं होता है 11 तारीख को रिजल्ट आएगा पता लग जाएगा मैंने पांच सवाल पूछे थे एक बीजेपी भक्त खड़ा था सुनो मैंने 5 सवाल पूछा था जितने लोग खड़े थे 5 सवाल में किसी ने एक जवाब नहीं सर मैंने 15 लाख का जो सवाल आपसे पूछा और ठीक है 15 साल पे क्या अगर 15 साल 15 लाख रुपए नहीं, 15 लाख आपने बोला कि मोदी जी ने बोला था अगर ब्लैक मनी वापस आती है तो 15 लाख रुपए मिल सकते हैं के बराबर हैं 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 सबको मिलेंगे अकाउंट सुनो एक चीज दूसरी चीज तो बीजेपी क्यों कहती है हमने नोटबंदी किया देश का फायदा हुआ पैसा वापस आया तो जीडीपी गिरी के अंदर क्या आया था गांधीनगर के अंदर एक व्यापारी गया था उसके 1.5 लाख रुपया था कैश तो उसको पकड़ लिया अरे 1.5 लाख रुपए क्या बहुत बड़ी रकम हो गई क्या बताओ अरे सर 1.5 लाख रुपए कैश पकड़ लिया उसको क्या वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा 1.5 लाख रुपए रोजगार दे रहे हैं रोजगार का वे क्या है बीजेपी का रोजगार का वे क्या है आपने सुना होगा स्किल डेवलपमेंट जो उन्होंने नई मिनिस्ट्री बनाई है पुरानी थी नाम चेंज कर दिया ठीक मोहल्ला क्लिनिक नाम चेंज कर दिया अब फिर वही कर रहे हैं जिसकी गवर्नमेंट होती है सब यही कर रहे हैं देखो बनाया ना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा काम किया हाई स्कूल के बाद सुनो भैया सर जनसुविधा सुना था आपने सर आपने सुना था डिस्पेंसरी सुना था ना इससे पहले भी थी वो एक महीने पहले डिस्पेंसरी प्राइवेट होती है मोहल्ला क्लिनिक निशुल्क है कहाँ से जा रहे हो देखो मुझसे मोहल्ला क्लिनिक छोड़ो मैं जिसपे बात कर रहा हूँ अगर स्किल इंडिया जो उन्होंने चलाया है उसके तहत स्किल इंडिया के तहत 2 करोड़ उन्होंने नौकरी देने के लिए बात कही थी और देखो आदमी सिंपल सी बात है सर देखिए मैं आपको भी कहना चाहती हूँ आप केजरीवाल को बनाना चाहते हैं ये बीजेपी का सवाल मैडम बोलने दीजिए ठीक है मैं ये जानने के लिए आई थी मुद्दे से बिल्कुल भटक चुके हैं हम ये जानने के लिए आए कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा कामों पे वोट मांगा जा रहा है तो हम बस व्यू जानना चाहते हैं आप लोगों का राय क्या है क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है काम पे ही वोट मिलना चाहिए नाम पे वोट नहीं मिलना चाहिए आप बताइए बीजेपी जैसे झारखंड में पूर्ण बहुमत से जीती है वैसे यहाँ भी जीते तो बिल्कुल जीते झारखंड में जीती है ना जीते
जीती है, जीती है। अरे सर पूछिए, जीती है। सुनो बोल रहे हैं बिल्कुल जीते, मैंने इसका मतलब आप सर जिस टोन में आप बोल रहे हो ना, मैंने जो चीज बोली देखो मैं टोन नहीं कर रहा हूँ, आपको जानता हूँ ना, आप मुझे सर वो बात मैं कुछ नहीं करूँगा। मैडम की कमी थी, बीजेपी की कमी थी, बीजेपी की कमी। मैं भाई देखो आप लोग भाई भाई है सर, देखिए हम बस ये जानने के लिए, हम आर्गुमेंट कर रहे हैं ना, कोई लड़ाई थोड़ी है। हम बस एक सवालों का जवाब दे दीजिए, काम में वोट होना चाहिए तो काम हो रहा है दिल्ली में, नहीं हो रहा है बस, नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है, हो रहा है काम तो हो रहा है। मैडम आप आई देगा भाई, एक सवाल देखिए, आप बताइए सही बात बताइए मैडम, काम तो दिल्ली में हो रहा है, सही बताइए, काम तो दिल्ली में हो रहा है, काम हो रहा है दिल्ली में, यस स्वास्थ्य में काम हो रहा है, शिक्षा एजुकेशन में काम हो रहा है, देख लिया, बोलने के बाद जाएगी ना वही बहुत है। मध्य प्रदेश की सुनो, अभी मैं उसी अभी देखो सुनो मैडम ने, एक्सक्यूज मी सर, लिसन फर्स्ट एंड लिसन, टेक केयर, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, व्हाट आर आस्किंग हिम, नो मैडम काम नहीं हो रहा, आप पूछा क्या था, अपने मुद्दे को आप लोग भूल ही गए, काम नहीं हो रहा, समझ वाली में देखो देखो काम सर, मैं बस ये कह रही हूं कि एक मिनट भैया काम से बताता हूं काम क्या हुआ है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप लोगों से मैं यही जानने के लिए आया हूं सर, आपसे भी मैं ये जानने के लिए आया हूं, दिल्ली में किस का सरकार बनेगा, क्योंकि 8 तारीख को झाड़ू बनेगी, लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी का, यानी कि जो बीजेपी चाहते हैं कि चेहरे पे वोट मांगा जाएगा शायद वो काम कर जाए दिल्ली में, और कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल का सरकार बनेगा शायद केजरीवाल का कामों में वोट मांगा जाए शायद वो भी काम कर जाए, दोनों तरफ ही साथ में थे, एक तरफ बीजेपी भी थे और एक तरफ केजरीवाल के सपोर्टर भी थे, तो हम और भी लोगों से जानेंगे कि सर हम आपसे भी जानेंगे कि सरकार किसका बनाएंगे दिल्ली में, बीजेपी की, बीजेपी का बना, क्यों बनना चाहिए बीजेपी का, राष्ट्रीय मुद्दा मेन मुद्दा है, पहले राष्ट्र रहेगा तभी, अच्छा ठीक है आप बताइए, केजरीवाल, ओनली केजरीवाल, ओनली केजरीवाल, आप बताइए, मोदी मोदी, अच्छा बीजेपी का बनना चाहिए, आप बताइए, केजरीवाल, आप बताइए, बीजेपी, आप बताइए, बीजेपी, अच्छा आप बताइए सर, बीजेपी, आप बताइए सर, केजरीवाल, केजरीवाल, आप बताइए, बीजेपी, बीजेपी का, आप बताइए सर, केजरीवाल, आप बताइए सर किसका सरकार बनेगा, बीजेपी, बीजेपी का बनेगा, अच्छा सर आप बताइए किसका सरकार बनेगा, बीजेपी, केजरीवाल जी का बनेगा, केजरीवाल जी का बनेगा, क्यों बनेगा, उन्होंने काम बहुत अच्छे काम हो रहा है, अच्छा आप बताइए सर, केजरीवाल, केजरीवाल का, सर आप बताइए किसका सरकार, केजरीवाल का काम हो रहा है, यस बहुत मस्त काम हो रहा है, बीजेपी, बीजेपी, अच्छा बीजेपी का बनेगा, अच्छा और एक मिनट सर सर सर, अरे नहीं हम और भी लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोगों ने तमाम तरीके की जो काम है काम तो गिनवाए हैं, लेकिन उसमें आप जान सकते हैं कि इस बार बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन शायद मोदी जी का जो चेहरा है वो दिल्ली इलेक्शन में काम कर जाए, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि शायद दिल्ली में काम कर जाएगा, हम आपसे, हाँ आपसे हमारी बातचीत हो चुके हैं, और भी लोगों से जानेंगे सर, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, किसका सरकार बने, केजरीवाल, केजरीवाल का बने, क्यों बनेगा, काम अच्छा कर रहा, काम हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा, अच्छा बढ़िया काम हो रहा है, घुमा रहा फिरा रहा, अच्छा घूम के फिरी, घूम के आ गए, अच्छा इन्हें घूम के आ गए, ठीक है हम और भी लोगों से जानेंगे कि इनका क्या कहना है सर, एक मिनट नहीं जाना चाहते, नहीं नहीं बोलना चाहते, एक मिनट मैडम, नहीं बोलना चाहते, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन्हीं से जान लेते सर किसका सरकार बनाएंगे दिल्ली में, है जी दिल्ली में किसका सरकार बनाएंगे, अरे जी हम नहीं इसके बारे में बता सकते हैं, आप नहीं बता, क्या बता, केजरीवाल का बनाएंगे जी, अच्छा केजरीवाल क्यों बनना चाहिए, अच्छा आदमी है, काम कर रहा है, काम हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, अच्छा लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, नहीं जी बिल्कुल, जो कह रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या काम नहीं हो रहा, अच्छा क्या काम नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है हम और भी लोगों से जानते हैं, सर एक मिनट, नहीं बोलना चाहते, एक मिनट मैडम से पूछते, मैडम एक मिनट, नहीं 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 कोई नहीं, एक मिनट कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते, दिल्ली में किसका सरकार बनाएंगे, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं कह सकते आप मैडम, मेरे को तो बस वही बीजेपी, बीजेपी का सरकार बनाएंगे, अच्छा ठीक है बीजेपी का सरकार बनाएंगे, हम लोगों को देख रहे हैं, भैया से पूछ लेते, भैया नहीं बोलेंगे, भैया आपसे जान लेते, थोड़ा इस तरफ आइए लाइट की तरफ, हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में किसका सरकार बनाएंगे, केजरीवाल की, केजरीवाल की, क्यों बनना चाहिए भाई, मेहनत कर रहा है, झूठी वादे नहीं कर रहा, जो कर रहा वादा पूरा कर रहे हैं, वादा पूरा हो रहा है,
वादा कर रहे हैं, उन्हें पूरा तो नहीं हुआ है, कुछ किया है। अच्छा कुछ किया है, ठीक है। बट लोगों की तमाम तरीके की राय हम आप तक पहुँचाए। लोग जब हम पूछने के लिए आए हैं, आप हर वीडियो में देख सकते हैं कि लोगों ने काम किया गिनवाया, जो केजरीवाल का सरकार बनाने के लिए जो बोलते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल का सरकार बनेगा तो उन्होंने काम भी गिनवाए, और जब बीजेपी बोलते हैं कि बीजेपी का सरकार बनेगा, जो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं वो लोग बीजेपी का कुछ काम गिनवाते, जैसे 370 मंदिर का मुद्दा, इस तरीके की बातें वो लोग गिनवाते हैं। लेकिन दिल्ली में जब हम दिल्ली बेस पे बात करते हैं तो लोग बता नहीं सकते, लेकिन जो चुनाव लड़ा जाएगा इस बार बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा। सर मोदी जी का चेहरा काम कर जाए बीजेपी को, लेकिन केजरीवाल के जो सपोर्टर है उनका भी फुल उनका भी सपोर्ट है। उनका कहना यही है कि 101% गारंटी है कि शायद केजरीवाल का सरकार बन जाएंगे। देखना यह है कि सिंहासन किसके हाथ में जाते हैं और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। नया मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।